बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जॉब सेंटर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों आज इस वीडियो में जो मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म की असामियाँ बताने जा रहा हूँ जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के ज़ेर साया मुख्तलिफ़ किस्म की असामियाँ हैं, यानी स्टेनोग्राफ़र है, असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर है, जूनियर क्लर्क है, पटवारी है, ड्राइवर है, नैब तहसीलदार है, ये तमाम असामियाँ इनकी तहसील तफसील आप लोग इस वीडियो में देख पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी के निशान को भी दबा दें और हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं इस तफसील की तरफ। दोस्तों पहले नंबर पर जो असामियाँ हैं नायब तहसीलदार की, इनका 14वां ग्रेड है और इनके लिए किसी भी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से बीए या बीएससी मांगा गया है। और इनके लिए जो तहरीरी टेस्ट होगा वो 24 जून 2019 को सुबह 9 बजे होगा। उसके बाद स्टेनोग्राफ़र की जो असामियाँ हैं इनका भी 14वां ग्रेड है, इनके लिए भी किसी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से बीए बीएससी मांगा गया है। 6 असामियाँ हैं ये और इनके लिए टाइपिंग महारत, इंग्लिश में कम अज़ कम 35 अल्फाज फी मिनट होना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके लिए जो तहरीरी टेस्ट होगा वो 25 जून 2019 को सुबह के 9 बजे होगा। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जो मैं आपको एड्रेस बताता हूँ वहीं पे होगा ये टेस्ट। उसके बाद असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर जिनका 12वां ग्रेड है, इनके लिए किसी भी तस्लीमशुदा बोर्ड से एफ़ए या एफ़एससी मांगा गया है और साथ 1 साल कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। उर्दू में टाइपिंग रफ्तार 60 अल्फाज फी मिनट की रफ्तार से होनी चाहिए। और इनका जो यानी असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर का तहरीरी टेस्ट होगा वो भी 25 जून 2019 को होगा। अगले नंबर पर दोस्तों जूनियर क्लर्क की जो असामियाँ हैं उनका 11वां ग्रेड है और इनके लिए एफएफएससी मांगा गया है, लेकिन साथ उर्दू इंग्लिश में टाइपिंग रफ्तार 30 यानी 30 अल्फाज फी मिनट की रफ्तार से मांगे गए हैं और कंप्यूटर का यानी तजर्बा रखता हो। उसके अलावा तहरीरी टेस्ट इनका जो होगा वो होगा 26 जून 2019 को होगा। फिर उसके बाद दोस्तों अगले नंबर पर पटवारी 9वां ग्रेड है, 40 असामियाँ हैं इसकी पटवारी की, और जो जूनियर क्लर्क था मैंने अभी बताया है उनकी 32 असामियाँ हैं और पटवारी की 40 असामियाँ हैं। इनके लिए भी एफएफएससी मांगा गया है, लेकिन पटवार ट्रेनिंग का यानी सनत साथ हो पास होना चाहिए पटवार ट्रेनिंग। और 3 टेस्ट इनका 25 जून को होगा 2019 को। फिर उसके बाद ड्राइवर का 4था ग्रेड होगा दोस्तों, इनके लिए 1 असामी है, LTV या HTV का लाइसेंस होना ज़रूरी है, मिडिल पास तालीम मांगी गई है। और इनका जो तहरीरी टेस्ट होगा वो 28 जून 2019 को सुबह 9 बजे होगा। फिर दोस्तों उसके बाद जो रिकॉर्ड लिफ्टर है 1 असामी, इनके लिए भी मैट्रिक पास मांगा गया है, कोई तजर्बा नहीं मांगा गया। 28 जून 2019 को इनका तहरीरी टेस्ट होगा। फिर अगले नंबर पर दोस्तों जो मालिक की असामियाँ हैं इनका 1 ग्रेड है, इनके लिए पढ़ना लिखना जानता हो, 28 जून 2019 को इनका सुबह टेस्ट होगा। फिर स्वीपर की असामी के लिए भी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, इनका भी 28 जून 2019 को इंटरव्यू होगा, यानी तहरीरी टेस्ट और इंटरव्यू होगा। अब दोस्तों ये जो मैंने तमाम असामियाँ बताई हैं 9 सीरियल नंबर तक, इनकी जो एज लिमिट है वो 18 था 28 साल रखी गई है। हाँ अलबत्ता जो अपर एज में बलाई हद में रैत है वो जो हुकूमत की तरफ से होती है वो इसमें और होती है, यानी ये तमाम असामियाँ माली, रिकॉर्ड लिफ्टर, ड्राइवर, पटवारी, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर और नायब तहसीलदार के असामियों के लिए एज लिमिट 18 था 28 साल है। अब दोस्तों आपने अप्लाई करना है 17 जून 2019 तक, तमाम किस्म के जो अपनी सदक पर दरख्वास्तें लिखकर उनके साथ मुश्तका जो तलीमी असनाद हैं, तजर्बे के सर्टिफिकेट हैं, कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापीज़ है, 2 पासपोर्ट सही तस्वीरें हैं, ये तमाम चीज़ें उस सीवी के साथ लफ करके 17 जून 2019 तक आप लोगों ने भेज देना है। कहाँ पर भेजना है ये मैं आपको बताता हूँ एड्रेस, और इसी एड्रेस पर आपके जो मैंने तहरीरी टेस्ट और इंटरव्यू बताए वो भी यहीं पर होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू नसीराबाद, इस एड्रेस पर आप लोगों ने अपनी दरख्वास्तें 17 जून 2019 तक
भेज देने हैं, आके जमा करवा देने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।